उत्तराखंड के काशीपुर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में जनता से संपर्क कर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी युवराज नरेंद्र सिंह बाबा गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं एवं घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान वह काशीपुर में भी विकास की नई इमारत लिखने का आह्वान कर रहे हैं। पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा की तरह उनके पुत्र नरेंद्र सिंह की सादगी से मतदाता कायल हो रहे हैं। हाथ जोड़कर जब नरेंद्र प्रणाम कर रहे हैं तो मतदाताओं को वरबस ही केसी सिंह बाबा का दौर याद आ रहा है। बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रत्याशी युवराज नरेंद्र सिंह बाबा ग्राम इस्लामनगर बसई मजरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जगह जगह है नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं उन्होंने घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ बहुत प्लान्ड गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और ऐसा चलता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ के लोग तो सब साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है, बाबा साहब के साथ है और संदीप भैया की करी हुई मेहनत भी तो है यहाँ पर, वो कैसे भूल सकते हैं आप लोग। चले ओके। उत्तराखंड में कांग्रेस का माहौल है और यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। 35 सालों से कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ नहीं रहा है, विधायक नहीं रहा है। लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस को इस बार जिताना है और लोगों ने मन बना लिया है और हम कांग्रेस हाईकमान ने बहुत सोच समझ कर करके एक मैंने वैसे परिवार से उम्मीदवार दिया जिसके परिवार के लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और केसी बाबा का लोकप्रियता से लोग वाकिफ हैं। इसलिए हम मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ काशीपुर में कांग्रेस परचम लहराने जा रही है और एनसी बाबा इस बार यहाँ से विधायक बनेंगे।